तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई मेरी रैंक कुछ दिनों पहले थी 87, बट भाई मैंने 2 दिन से एक भी सोलो एसपी पे गेम नहीं खेला और मेरी रैंक आ गई भाई 104। मैं सोचा भाई टॉप 100 मेंटेन करते हैं, एंड तक मतलब सीजन के एंड तक टॉप 100 रहना चाहिए। तो भाई मैंने एक और मैच खेला आज, मेरी 107 रैंक थी कुछ, और इसके बाद भाई मेरी रैंक आ जाती 90 के आसपास। मतलब भाई आराम से यहाँ पे अच्छा खासा प्लस हुआ, टॉप 10 भी हुआ। और हैकर तो होंगे भाई, वीक 7-8 के लॉबी में ऐसा हो नहीं सकता। मतलब शायद ही ऐसा एक मैच जाएगा जहाँ पे हैकर ना मिले। हर एक में भाई, हर एक मैच लिटरली ऐसा एक मैच मिल जाता जहाँ पे हैकर ना मिले। और अब तो भाई लॉबी मिल जाती है भाई 5 से 6 मिनट आराम से लग जाते भाई। भाई कितना लंबा वेट करना पड़ता है मुझे पता है। तो भाई सोलो एसपी की लॉबी देखो यहाँ पे क्या होती है। तो भाई यहाँ पे मैं कॉन्क्रीट टाइप हूँ, मतलब एकदम हार्ड लॉबी आनी चाहिए, ऐसी लॉबी आनी चाहिए भाई, क्या ही बोला जाए। बट भाई लॉबी देखो कैसी आती है और यहाँ पर क्या ही सीन होते हैं। तो भाई यहाँ पे जो नो के ब्रिज के बगल में कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे 3 स्टोरी है, मतलब ठीक ठाक लूट मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लूटता हूँ। तो भाई मेरे यहाँ पे आने का मेन गोल यही था, क्योंकि भाई जैसे बड़ी सिटीज़ में जो हो गया, यासना हो गया, या बड़ी बड़ी सिटीज़ में, वहाँ पर भाई बहुत बहुत ज़्यादा हैकर रहते हैं। मतलब वहाँ पर जाना मतलब कन्फर्म है तुम्हारा माइनस होगा ही होगा, या कोई ना कोई बीटी जरूर होगी। तो भाई यहाँ पे आता हूँ, जो इससे छोटे मोटे कंपाउंड लूटता हूँ। और भाई जो बड़ी सिटीज़ होती है ना, ये स्टार्टिंग में सही रहता है, बट भाई सीजन के एंड में भाई एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे हैकर जो यासना जैसी बड़ी बड़ी जगह रहते हैं और वहाँ पर बंदे पेलते हैं। तो यहाँ पे छोटे मोटे कंपाउंड आता हूँ, यहाँ पे लूटता हूँ, और यहाँ पे बगल में गाड़ी होती है, इस गाड़ी उठाता हूँ और सामने कंपाउंड होता है भाई। ये कंपाउंड में देखो यहाँ पे 3 कंपाउंड है भाई, यहाँ पे इन 3 कंपाउंड में तुमने लूट लिया तो मैं लूट की कभी कोई पड़ेगी नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं ये कंपाउंड में आया, आराम से लूटा, और फिर जैसे यहाँ पे लूटने के बाद मैं जाता हूँ 3rd कंपाउंड में चलूँ। तो भाई यहाँ पे मैं 3rd कंपाउंड में तरफ आता हूँ, और भाई देखो यहाँ मुझे क्या कुछ नहीं मिलता भाई, मतलब एकदम बढ़िया लूट। और देखो भाई यहाँ पे बॉट कितने होते हैं, कौन का टाइप है भाई, एक बॉट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ मेरे को 2 बॉट मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले बॉट को पिला, तभी दूसरा बॉट के फुटस्टेप आते हैं भाई, दूर साइड है, मतलब भाई वहाँ पे मतलब कैम कर रहा है। मुझे लगा भाई रियल बंदा हुआ, क्योंकि भाई 2 बॉट आना कौन का टाइप है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगा यहाँ पे बंदा हुआ है, बॉट होगा, बट वही नहीं भाई, यहाँ पे 2 बॉट होते हैं। तो भाई यहाँ पे बॉट को पेलने के बाद मेरे पास भाई प्ले गन थी, और मैं यहाँ पे आता हूँ ओपन में और फ्ले चलाता हूँ। और जोन देखो भाई, जोन एकदम मतलब मस्त है भाई, एकदम जस्ट बगल में है। तो भाई छोड़ो यहाँ पे जोन आ गया, और फ्ले देखो। तो भाई यहाँ पे मैं BRDM आती है, और BRDM उठा के भाई रोटेशन के लिए निकलता हूँ मैं। तो भाई इस मैच में मेरे साथ एक और बंदा था जिसके पास भाई BRDM होती है। मतलब भाई हम दोनों मतलब जब बंदों के पास BRDM होती है ना, और तुम्हारे पास भी BRDM, सामने वाले के पास BRDM, भाई समझ लो पूरा टीम अप भी लगता है भाई। देखो हमने क्या ही कहती कि वो बंदे भाई मैं जानता नहीं हूँ, तभी भी भाई यहाँ पे देखो क्या मैं ऐसी BRDM गया, 7 दे दी। ओ भाई क्या ही मतलब फुल, देखो भाई वो बंदा भाई कुछ कर नहीं रहा था, मतलब वो भी निकलता पिल्ला कन्फर्म था, मैं भी निकलता मेरा पिल्ला कन्फर्म था। तो भाई देखो यहाँ पे क्या ही मतलब मजे आ गए भाई। तो इस BRDM वाले बंदे को ध्यान रखना भाई, इससे मैं दोबारा मिलता हूँ। तो भाई यहाँ पे जोन मिल गया था, और जोन के अंदर एक शैक था, मैं सोचा शैक पे जाते हैं, क्या पता वहाँ पे कोई बंदा ना हुआ लकीली, तो मैं वहाँ पे होल्ड करूंगा आराम से, केवल निकालूंगा और टॉप 10 निकालूंगा। बट भाई वहाँ पे एक बंदा पहले से होल्ड करके रखता है, चलो छोड़ो भाई वहाँ पे जाना नहीं है। और जो लेफ्ट साइड में वहाँ पे कुछ रिज है, कंपाउंड है, वहाँ पे जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे सीधा कंपाउंड में स्लैम करता हूँ, और देखो भाई यहाँ पे कितने बंदे होते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले इस बंदे को निकलकर फायर करता हूँ मैं। भाई यहाँ पे फुटस्टेप सुनो, और यहाँ पे कितने बंदे देखो, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग बंदे होंगे, मतलब इनसे फाइट लूंगा। बट भाई देखो यहाँ पे क्या ही सीन हुआ, यहाँ पे पहली बात एक हैकर, दूसरी बात यहाँ पे कितने सारे बंदे देखो, अब वो भी टीम अप भाई। वही यहाँ पे देखो एक बंदा घर के अंदर गया, उसको मैंने लो किया था, तभी दूसरा बंदा आता है मेरे सामने, वो बंदे आपने फाइट ले रहे भाई, ये बंदे एग्जैक्ट टीम अप है भाई, क्या ही बोला जाए। तो भाई यहाँ पे देखो मैं जल्दी हेल्थ मारता हूँ, जल्दी भाई गाड़ी बैठ के निकलता हूँ, क्योंकि BRDM मैं हूँ भाई, ये बंदे चाहते जो आपस में फाइट कर सकते हैं, बट नहीं भाई ये टीम अप चल रहा है इनका। तो भाई यहाँ पे गाड़ी उठाता हूँ, निकलता हूँ रोटेशन के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे रुकना ही चाहिए देखो। तो भाई यहाँ पे मैं BRDM लेकर जोन के एज वाली ब्रिज पे आता हूँ। तो भाई यहाँ पे रिलोड करता हूँ, हेल्थ वेल्थ मारता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, मतलब भाई मैं समझ गया था वो बंदे टीम अप कर रहे हैं, और वहाँ पे जाना मतलब डेथ है भाई। तो यहाँ पे मैं जोन के एज पे आता हूँ, आराम से उठता हूँ, होल्ड करता हूँ, तभी टॉप 10 हो जाए। तभी भाई एक बंदा BRDM वाला मेरे बगल में आता है, देखो भाई क्या ही सीन हुआ।
तो भाई ये बंदा वही है जो स्टार्टिंग में मिला था, जिसे मैंने BRDO फ्लेम दी थी। बट भाई ये बंदा ऑल पे माइक करता ही नहीं है, और मैं यहाँ पे ऑल पे रख के बोल रहा भाई कुछ तो बोल ले, मतलब यहाँ पे बंदा माइक खोला तक नहीं। चलो छोड़ो भाई, यहाँ पे हमारी बात नहीं हो पाई, बट भाई देखो क्या ही मतलब भाई मैं खुद देखूंगा तो दूर से लगेगा टीम अप है, दो BRDO वाले बंदे टीम अप कर रहे हैं। बट भाई यहाँ पे ना ही मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानता है, तो भाई यहाँ पे ऑल पे बात करता हूँ बट बंदा का माइक ऑन ही नहीं होता। चलो छोड़ो भाई, यहाँ पे कुछ देर तो रुकता हूँ, और जोन देखो जोन आ गया था, मैं गाड़ी उठाता हूँ निकलता हूँ रोटेशन की तरफ। तो भाई मैं गाड़ी लेकर जोन की तरफ आया, अब देखो भाई ये बंदा जो सामने आ गया मेरे, ये भी रोटेशन ले रहा है भाई, हम तो साथ ही साथ ले रहे हैं भाई, कहीं बैन वैन ना लग जाए इससे। तो भाई मैं सोचता हूँ जो बंदे घर में था ना टीम अप वाले, तो उनका जोन काटूंगा, जोन में तो है नहीं, बट भाई देखो यहाँ पे क्या ही गलत सीन हुआ। तो वो भाई मैं BRDO में इतना गंदा डैमेज देता है भाई क्या ही बोलूँ। तो भाई अपने भाई के पास मैं BRDO वाले बंदे के पास आ जाता हूँ वापस। चलो देखो भाई आराम से यहाँ पे आराम से सेफ रहेंगे हम, दो साथ में रहेंगे ना, यहाँ पे कोई मारता भी नहीं जल्दी। तो देखो भाई यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे देखो जोन सामने बन गया। मैं सोच रहा हूँ भाई जल्दी निकलते हैं जोन की तरफ। और यहाँ पे अब कितने बंदे बचे थे, सिर्फ चार, एक मैं हूँ, एक मेरे बगल वाला BRDO वाला बंदा है, एक लेफ्ट कंपाउंड में और सामने वाले शेक में। तो भाई देखो यहाँ पे क्या ही सीन हुआ, मैं यहाँ पे जोन के एच पे आया, वो बंदा जो दूसरा वाला बंदा था वो मेरे राइट में था, तो जो शेक वाला बंदा था ना वो बंदा उस वाले BRDO वाले बंदे को पेलता है। तो भाई शेक वाले बंदे ने BRDO वाले बंदे की गाड़ी फोड़ दी, मैं समझ गया भाई ये मेरी गाड़ी भी फोड़ देगा, मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ निकल के। और देखो भाई मैं सोच रहा हूँ ये बंदा जोन की तरफ आएगा तभी से पेलूंगा, बट भाई नहीं, यहाँ पे मैं निकलता हूँ और सिर्फ Kar98 पीक लेता हूँ। और जैसी पीक ली बंदे ने भाई पेल दिया। अगर तुम्हें नोटिस किया होगा मैं यहाँ पे क्राउच करता हूँ तभी भी इसी गोले सिर्फ और सिर्फ हेड लगती है। तो भाई इस बंदे की केड़ी वेड़ी देख लो और खुद ही सोच लो क्या है बंदा, मैं तो बोलूंगा भी नहीं, अब मतलब प्रो प्ले होगा पिंक का। तो चलो भाई यहाँ पे इस बंदे चिकन निकालता है, और यहाँ पे मैं दो किलो होते हैं दोनों बॉट, और #3 पे आता हूँ भाई कॉन्क्रीट टायर पे #3 इन हैकर लॉबी। तो भाई देखते हैं यहाँ पे कितना प्लस मिलेगा। तो उससे पहले भाई डेथ ग्रिप देखते हैं इस बंदे कैसे पेला। तो भाई यहाँ पे एक बंदा पेल देता है, और अभी इस मैच के साथ में कुछ रैंक आ गई थी top 100 के अंदर। तो भाई तुम मुझे top 100 के अंदर देख सकते हो अभी। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो या जिस तरह से मैं सर्वाइव किया इन हैकर लॉबी तभी अच्छा लगा हो तो ड्रॉप लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।